अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए सुजुकी ऑल्टो VX जो कि बेसिक वेरिएंट है, इसका वॉक अराउंड लेके आया हूँ। इस वीडियो में एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस और गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताई जाएगी, और ये गाड़ी कहाँ अवेलेबल है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन मस्त है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए भाई को। कुछ इस तरह की की है जिसपे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, इमोबिलाइजर वाली की है, और एक ये सिंपल की आपको साथ मिलती है। गाड़ी में 660 सीसी का के सीरीज इंजन आता है, बेसिक हेलोजन लाइट्स ही हैं। ये VX है तो इसमें आपको AC भी नहीं मिलता। जो VXR वेरिएंट है उसमें AC आ जाता है, और जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको साइड जो है ना स्टील व्हील्स ही आते हैं तमाम वेरिएंट्स में, बट उसमें आपको ऊपर प्लास्टिक कवर मिल जाता है, जबकि इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। सिंपल ही स्टील रिम आपको मिल रहे हैं, और इनके साइज़ की बात की जाए 145 ATR 13। ग्राउंड क्लियरेंस मुनासिब है, बाहर से आपको मिरर इसके एडजस्ट करने पड़ते हैं। जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी मिल रहे हैं। इसमें आपके पास ब्लैक डोर हैंडल्स आ जाते हैं, रेडियो एंटेना आ गया। बैक साइड पे आ जाते हैं तो ऑल्टो VX की बैजिंग आ जाती है, नीचे इसकी बेसिक हेलोजन लाइट्स ही दी गई हैं। अब बूट ओपन कर लेते हैं, तो बूट में आप देख सकते हैं स्पेस बहुत थोड़ी है, नीचे रिपेयरिंग किट आ जाती है, और ऊपर हाई माउंट ब्रेक लैंप आपको दिया गया है। अब बैक साइड पे आ जाते हैं, तो बैक साइड पे इस तमाम वेरिएंट्स में ही फैब्रिक सीट्स हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं। तो माइनर सा इसमें आपको ट्रांसमिशन टनल मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर्स इस साइड पे दिए गए हैं, बेंच नुमा सीट है इसकी, स्पेस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है, हर जगह हार्ड प्लास्टिक, मैनुअल विंडो सी दी गई हैं, बैक पे स्पीकर्स की जगह है बट स्पीकर्स इसमें आपको नहीं मिलते। अब फ्रंट साइड पे आ जाता हूँ, सेम वही सिनेरियो फ्रंट पे भी है, कोई पुश स्टार्ट कुछ नहीं है, विद की ही है गाड़ी स्टार्ट होती है। अब जो AGS है उसका यहाँ पे गियर बॉक्स आता है, बट इसमें यहाँ पे आपके पास फोन होल्डर आ जाता है, 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ, कन्वेंशनल हैंड ब्रेक कोई आर्मरेस्ट नहीं है, बहुत सख्त सीट्स हैं। और इसमें आई डोंट थिंक सो के दरवाज़ों में स्पीकर है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये इसके स्पीकर्स दिए गए, और ये USB AUX के साथ आता है। और इसमें आप देख सकते हैं AC की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। नीचे की बात की जाए तो ग्लव कंपार्टमेंट आ जाता है, फ्रंट पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कोई एयरबैग्स नहीं है, बाकी अप वेरिएंट में एयरबैग्स भी आते हैं, कोई सीट बेल्ट वार्निंग नहीं है। 157 किलोमीटर टन है ये गाड़ी, और यहाँ से आप इसके बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी फ्यूल एवरेज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। 140 का ओवरऑल मीटर है, और डोर इंडिकेशन दे रहा है, दैट्स इट, और बेसिक है, कोई वैनिटी मिरर नहीं आता गाड़ी में, फ्रंट पे कोई कैबन लाइट नहीं, ये एक छोटी सी कैबन लाइट है जो कि मेहरान में भी आती थी। और एयर वेंट सब गाड़ियों में सेम यही सीन है, हैज़र्ड लाइट कंट्रोल, मोबाइल होल्डर, नीचे भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, स्पेस काफ़ी डिसेंट है, ट्विन कप होल्डर्स हैं, एक USB नहीं 12 वॉट आउटलेट यहाँ पे छुपा के दिया हुआ है, स्टेयरिंग व्हील में कोई एडजस्टमेंट नहीं है ये देख सकते हैं, और बेसिक 5-speed मैनुअल गेयर बॉक्स आता है, AM/FM, और इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ USB और AUX की दी है। अब मैं इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बता देता हूँ, ये 2022 मॉडल है, VX बेस वेरिएंट है इसका, और इसमें सिंगल टोन आता है, जो टॉप वेरिएंट है ना उनमें आपके पास 2-tone इंटीरियर भी दिया जाता है। बाकी अब इस गाड़ी की जो सैकल मोटर स्पोर्ट्स की न्यू ब्रांच पे 19,50,000 रुपये डिमांड की जा रही है। अगर ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दिया होगा, आप वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वेल बॉयज़, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।